हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके राठी क्लासेस। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल। और इसके अंदर आप मेरी इस किताब जो मैंने लिखी है, जिसका सिक्स्थ एडिशन मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सिक्स्थ एडिशन के अंदर जो चौथा चैप्टर है वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो आप लोग चौथे चैप्टर के ऊपर खोलिए। इंडियन ज्योग्राफी के सवाल किस तरीके के हैं, जैसे सबसे पहले तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है यानी कि लेटिट्यूडनल पोजीशन है, उसके बारे में सवाल आता है। ये डीपी एसएससी दोनों के अंदर आया कि भारत के उत्तरी और जो भारत की दक्षिणी जो अक्षांश है, लेटिट्यूड है, वह बताइए। सीडीएस में सवाल आया भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो छोर है यानी कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है, उनके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है। उत्तराखंड पीसीएस के अंदर सवाल आया कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमाएं हैं यानी कि कोस्टल बाउंड्री है। ऐसे ही एसएससी में सवाल आया कौन कौन से राज्यों में जो चार विकल्प दिए गए, कौन से राज्यों के अंदर हमारे मैग्राव वन पाए जाते हैं। तो इन सब सवालों के आंसर जो है आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और सबसे पहले मैं भौगोलिक नक्शा बनाता हूँ, क्योंकि भौगोलिक नक्शे पे और ज्योग्राफिकल मैप के ऊपर ही इन सवालों के सटीकता से हम उत्तर दे पाएंगे। ये भारत का भौगोलिक नक्शा जो है, ये आपको पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे सवाल जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनका सही उत्तर हमें केवल इसके द्वारा ही प्राप्त होगा। तो भौगोलिक नक्शे के अंदर हम एक सूत्र बनाते हैं कि कैसे हम भौगोलिक नक्शे को याद रख पाएंगे। तो उसका ये सरल सा सूत्र है कि जो सबसे उत्तर में भारत के हैं यानी कि सबसे उत्तरी जो भारत का अक्षांश है या लेटिट्यूड है, वह कितने डिग्री पर है और दक्षिणतम। देखिए, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, वो दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का, वो पड़ता है निकोबार में, यानी कि सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है भारत का वो पड़ता है निकोबार द्वीप समूह पर। तो पहले सूत्र देखते हैं क्या क्या पॉइंट आएंगे। सबसे पहले तो हम बनाते हैं 37 डिग्री, यानी कि भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उससे केवल 10 वर्ष पहले हम आएंगे 37 के बाद 6 आता है, 8 के बाद 4 आता है, उन पर नहीं मैं अभी ध्यान दे रहा हूं क्योंकि याद रखना है हमें। तो ज्यादा से ज्यादा कैसे याद रखे, उन बारीकियों में नहीं जाते। तो 37 डिग्री 1947, 7 के बाद आता है 8, तो यानी कि 8 डिग्री कहां होगा, 8 डिग्री जो है वो दक्षिण के अंदर, यानी कि पलड़ा जो है तराजू में भारी होता है नीचे की तरफ, तो इसलिए 8 डिग्री नीचे। और 7 और 8 के बीच में यानी कि भारत के जो ये दक्षिणी पश्चिमी और भारत के जो पूर्वी छोर है, इसे कैसे याद रखेंगे, 6 उसके बाद 7 उसके बाद 8 और यहां पर आएगा 9 डिग्री। इस तरीके से 68 डिग्री और 97 डिग्री, इन दो के बीच में भारत की भौगोलिक अवस्थिति है। तो आप देखिए, इस तरीके से याद रखना बड़ा आसान हो गया, वरना अगर आप प्रयास करेंगे कि एग्जाम से पहले मैं इनको याद करके जाऊंगा तो ये लगभग असंभव सा है, क्योंकि इतनी चीजें रिवाइज करने को होती है जो ये चीजें दिमाग से निकल जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए जरूरी है कि आप कोई सूत्र बनाइए, और जो सूत्र मैंने आपको बताया इस पर आप ध्यानपूर्वक याद कीजिए, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से बनाए गए सूत्र है जो आपके आसानी से काम आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आया, जैसे एनडीए के एग्जाम में सवाल आया, उन्होंने पूछा भारत की 97 में से 68 को माइनस करो, तो 97 में से 68 को अगर आप माइनस करेंगे तो 29 डिग्री, यानी कि भारत को इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 29 डिग्री है। और ये ऐसे ही यदि 37 में से 8 को मैं माइनस करूं, यानी कि इस तरीके से अगर मैं देखूं तो ये भी 29 डिग्री है, क्योंकि 37 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो ये भी 29 डिग्री आएगा। जब हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 2900 किलोमीटर बैठता है, यानी कि इस तरीके से भारत का क्षेत्र, और जब हम इस तरीके से देखते हैं तो ये हमारा क्षेत्र जो है कुल मिलाकर ये बैठता है 3200 किलोमीटर, ये 3200 किलोमीटर। तो ऐसा विरोधाभास क्यों है, यानी कि जब हम कह रहे हैं भारत में 29 डिग्री का ही अंतर है, उसके बावजूद भी ये डिफरेंस क्यों है, ये 29 डिग्री और ये 3200 डिग्री। इसके पीछे कारण ये है कि जब हम भौगोलिक नक्शे को पढ़ते हैं और इन रेखाओं की बात करते हैं, देशांतर और अक्षांश, तो क्या होता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है, पहले हम उसके बारे में देखते हैं कि जैसे मैंने भौगोलिक नक्शा ये ग्लोब बनाया, तो ग्लोब के अंदर जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये
जैसे मैंने बनाया इक्वेटर या भूमध्य रेखा, ये काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर के भागों में विभाजित करती है। किन्हीं दो लाइनों के बीच में जो अंतर होता है वो होता है 111 किलोमीटर का, यानी कि हर दो लाइन के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर है। तो इसलिए जब इन लाइनों को, जो 29 लाइनें हैं अक्षांश की, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 111 किलोमीटर के साथ में। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन हिस्सों को इस तरीके से, तो इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा 111 से कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइनें हैं, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 डिग्री पर तो है 111 किलोमीटर का सबसे ज्यादा। उसके बाद जब हम दोनों दिशाओं में चलेंगे, ध्रुव की ओर या पोल्स की ओर, तो इनके बीच में डिस्टेंस घटता हुआ चलता है। इसीलिए जब हम भारत की इस तरीके से 29 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 किलोमीटर से कम पर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ये अंतर कम आएगा। इसीलिए भारत की इस तरीके से, भारत का भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा है और इस तरीके से भौगोलिक क्षेत्र कम बैठता है। तो ये मैंने लगभग के आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये सरलता से उत्तर मिल जाएगा कि ऐसा भौगोलिक अंतर क्यों है। इसके साथ ही इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट भी है, जब आप लोगों से पूछा जाए, या हम लोग जानते हैं कि भारत का जो देशांतर है, जिसे मानक समय कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो भारतीय मानक समय जो है वो हमने कहां से लिया और क्यों लिया है? तो देखिए, भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमने 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री क्यों लिया है? उसके पीछे कारण है कि 68 + 97/2 जब हम निकालेंगे तो ये 82.5 बैठता है। तो इस तरीके से भारत के जो रेखा है, देशांतर रेखा जो मध्य से गुजरती है, वो 82.5 है। तो 82.5 भी किस कारण से आई? 82.5 भी इस कारण से आई क्योंकि 82.5 डिग्री जो है इन दोनों के बीच में बैठती है। तो जो और यही भारत का जो मानक समय है, यही नेपाल ने भी अपनाया हुआ, और यही मानक समय जो है ये श्रीलंका ने भी अपनाया हुआ। तो तीन देशों का जो मानक समय है वो 82.5 है, भारत, नेपाल और श्रीलंका। और इसके अलावा एक सवाल और आया सीडीएस के एग्जाम में, जब उन्होंने पूछा कि भारत के पूर्वी छोर, भारत का जो राज्य है जहां पर सूरज उगता है सबसे पहले, वो है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे बाद में जो सूर्य उदय होता है भारत में वो होता है गुजरात में। तो सबसे पश्चिम का जो राज्य है, जैसे यूपी कॉन्स्टेबल में सवाल आया, भारत का सबसे पश्चिमी नगर यानी कि वेस्टर्न मोस्ट जो हमारा कोई भी शहर या बस्ती है वो कौन से राज्य में है? तो जाहिर है हमारा जो सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, उसके अंदर ये स्थित है। तो ये दो पॉइंट हो गए। अब उन्होंने सवाल आया कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितने समय का अंतर है। तो यहां पर मैं उसको रिवाइज करा देता हूं भूगोल के अंदर। जैसे 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है और 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होती है। ये बराबर का मतलब ये हुआ कि जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर, जिसे प्रधान देशांतर या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, उससे उसको हम लेते हैं बेस, आधार समय का निर्धारण का। और इसके इधर की तरफ चलेंगे तो समय जुड़ेगा, और इसके इधर की तरफ चलेंगे तो समय माइनस होगा। और चूंकि भारत जो है ये इस लाइन के जो लंदन से होकर गुजर रही है, ग्रीनविच से होकर गुजर रही है, इसके पूरब में है, इसीलिए भारत का समय जो है वो जुड़ता है। और एक और ये सूत्र हमें पता चल गया। अब जैसे हमने अभी रिवाइज किया था कि 97 में से 68 को माइनस करेंगे तो 29 डिग्री आएगा, यानी कि 29 डिग्री जो लगभग 30 डिग्री के बराबर है। इस प्रकार से 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर और 29 या 30 डिग्री जो है 2 घंटे के बराबर होगा। तो हमारे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न मोस्ट गुजरात, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा। यानी कि इस लाइन के इधर चलने पर 1 घंटे का और इस लाइन के इधर की तरफ चलने पर 1 घंटे का अंतर होगा। अब दूसरा सवाल और अन्य जो सवाल परीक्षाओं में आए, एग्जाम्स में आए, वो कौन कौन से? जैसे एक सवाल आया कि भारत की जो जनसंख्या है, चीन के बाद भारत दुनिया का जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना रेशियो या अनुपात बनाती है? तो यहाँ पर एक सरल सा तथ्य है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, हमारे यहाँ
1872 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 से हर 10 साल में हमारे यहाँ सेंसस या जनगणना होती है, जिसके बाद 15वीं बार जनगणना हमारे यहाँ 2011 में की गई। तो 2011 की जनगणना में भारत की जो जनसंख्या है विश्व की 17.5% है। और अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो भारत वर्ल्ड के कुल 2.4% यानी कि लगभग 2.5% के बराबर भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। तो असंतुलन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भौगोलिक क्षेत्र मात्र 2.5% और जनसंख्या जो है 17.5%। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये तथ्यात्मक चीजें भी अवश्य याद कीजिए कितनी सीमा हमारा क्षेत्र बैठता है। इसके बाद लेकिन कृषि योग्य भूमि की बात करें यानी कि एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं तो हम पाते हैं अमेरिका और भारत दोनों के दोनों दुनिया के अग्रणी देश है। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के हिसाब से आप जानते हैं रूस या रशिया सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के मामले में भारत और अमेरिका ये दो अग्रणी देश है। तो इसी हिसाब से कुदरत ने या प्रभु ने भारत की जो भूमि है उसे इस तरीके का वरदान दिया है कि 12 महीने यहाँ पर खेती हो सकती है। अगले सवाल और कौन से हैं? जैसे उत्तराखंड पीसीएस के अंदर एक क्वेश्चन आया कि भारत का कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमाएं हैं यानी कि जो समुद्र से तट लगते हैं। एसएससी में क्वेश्चन आ गया कि भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन से राज्य की है यानी कि कोस्टल लेंथ लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कौन से स्टेट की है और कितने स्टेट इंडिया के कोस्टल स्टेट कहलाते हैं। तो संख्या 9 बैठती है जिनकी समुद्री सीमाएं कौन कौन से, जरा एक बार मैं आपको दर्शा देता हूं। जैसे गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा के अलावा कर्नाटक के नीचे केरल के अलावा तमिलनाडु से उत्तर में आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर की तरफ चलेंगे तो ओडिशा राज्य और सबसे ऊपर की तरफ है पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट या पश्चिम बंगाल। तो राज्य हो गए 9, जरा एक बार दोहरा देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरीके से 9 राज्य हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ एक और सवाल एसएससी में आया कि मैग्रा वन जो है वो कौन से राज्य में प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए जब हम मैग्रा वन की बात करते हैं तो पहले तो मैग्रा वन क्या होते हैं, जो समुद्री सीमाएं हैं वो उस समुद्र के तट पर जमीन को बचाने के लिए कुदरत ने ऐसे वृक्ष बनाए हैं जो वृक्ष या जो पेड़ इस लवणता वाले जल को, समुद्री जो जल होता है वो लवण और नमकीन जल होता है यानी कि सॉल्ट वाटर होता है, उसे सहन करने के लिए उनके प्रवृत्ति होती है। ऐसे वनों को कहते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट या मैग्राव वन। तो मैग्राव वन जो है भारत में कौन कौन से राज्य में मिलेंगे, मैग्राव वन मिलेंगे जिनकी समुद्री सीमाएं हैं, जैसे 9 राज्य हैं। और जो सबसे बड़ा मैग्राव वन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैग्राव वन होता है, ये कहलाता है सुंदरबन बांग्लादेश और भारत, ये पड़ोस के अंदर जो मैंने राज्य बनाया ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत दोनों के अंदर स्थित है ये मैग्राव वन। तो इस तरीके से जब इन 9 राज्यों में से किसी का भी नाम आएगा तो हमारा उत्तर होगा मैग्राव वन इनके अंदर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, भारत की जो कुल समुद्री लंबाई है यानी कि समुद्री तट की लंबाई है या कोस्टल लेंथ जो है वो कितनी है। तो इसके लिए फिर आपको उसी पॉइंट पे ध्यान रखना कि जो कुल कोस्टल लेंथ है वो है 7500 किलोमीटर, लगभग 7500 किलोमीटर यानी कि हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं वो लगती है गुजरात से शुरू होकर और बंगाल तक, ये पूरा क्षेत्र जो है ये हमारा समुद्री सीमाएं का है यानी कि गुजरात से शुरू होकर यहां से और यहां तक, ये टोटल। और इसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है इनको अगर मिला दें तो कुल मिलाकर हमारी समुद्री तट की लंबाई 7500 किलोमीटर। और अगर केवल मुख्य भूमि की बात करें यानी कि केवल मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड का मतलब यहां से लेकर और यहां तक दक्षिण तक, इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो भारत की कुल लंबाई जो है वो बैठती है 6500 किलोमीटर यानी कि इस क्षेत्र की, सॉरी यहां नहीं कह रहा मैं, यहां से समुद्री लंबाई का मतलब है यहां से लेकर
इस क्षेत्र तक की, तो ये कुल मिलाकर 6500 किलोमीटर। इसके बाद बुक को खोले रखिए और उसके अंदर देखिए, उसके बाद मैंने दे रखा भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इनमें थोड़ा विवाद भी रहता। उत्तर में हम लोग कहते हैं इंदिरा कोल जो है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये भी विवादित है। इसीलिए एग्जाम्स के अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है वो इंदिरा पॉइंट के बारे में ही आता है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट, या उसे कहते हैं पिगमिलोन पॉइंट। जो भारत के जो दक्षिणतम द्वीप है, जो सदर्न मोस्ट हमारा द्वीप है, वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर ही ये स्थित है, पिगमिलोन या फिर इंदिरा पॉइंट। अब देखें, दे रखा है मैंने उसके बाद चैप्टर कि भारत और उसके पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश। तो भारत और उसके पड़ोसी देश के अंदर जो पॉइंट आएंगे उसमें आ जाते हैं कि जैसे डीपी में सवाल आया, और अब तो क्योंकि डीपी का एग्जाम को एसएससी ले रहा है, तो उसमें सवाल आया भारत के कौन कौन से राज्य की म्यांमार के साथ में सीमाएं लगती हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है। तो इस तरीके से मैं इन सब के बारे में आपको बताता हूं क्या क्या सवाल हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं और किस दृष्टि से हमें इसको देखना है। जैसे एक क्वेश्चन आया इसके अंदर जो यूपी कॉन्स्टेबल का था, उसमें क्वेश्चन आया भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सीमाएं 3 देशों के साथ में लगती हैं। तो सबसे पहले हम देशों को देखते हैं, कौन कौन से हमारे देश हैं। एक तो मैंने जैसे यहां दर्शाया ये है नेपाल, इसके बाद आ गया इधर की तरफ ये भूटान। भूटान के अलावा यहां हमारे पड़ोस में देश है म्यांमार, जिसे पहले कहा जाता था बर्मा, इसे पहले बर्मा के नाम से जानते थे। इसके अलावा उत्तर में अगर देखेंगे तो उत्तर में है तिब्बत। ये तिब्बत वो क्षेत्र है जो चीन के अधिकार में आता है, तो हम तिब्बत कह लें या चीन कह लें। इसके अलावा हमारी जो सीमाएं हैं, जैसे यहां पर हमारे पाकिस्तान है पश्चिम में, और सबसे इधर की तरफ ये सीमाएं लगती हैं अफगानिस्तान। तो यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वो पड़ोसी देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और नीचे की तरफ है श्रीलंका। ये अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आया कि भारत का कौन से राज्य ऐसा है जिसकी 3 देशों के साथ में सीमाएं लगती हैं। तो पहले तो ये देखिए कि कौन कौन से वो राज्य हैं। देखिए ये राज्य कौन से, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं आप देख पाएंगे, इसकी सीमाएं लगती है म्यांमार के साथ, भूटान के साथ में, और ऊपर की तरफ तिब्बत या चीन के साथ। अगला राज्य हमारा हो गया ये बनाऊ सिक्किम। तो सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो किन किन के साथ लग रही है, सिक्किम की सीमाएं भूटान के साथ, नेपाल के साथ, और तिब्बत और चीन के साथ। इसके अलावा ये राज्य हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं, पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश के साथ यहां पर, भूटान के साथ, और नेपाल के साथ। और सबसे उत्तर के अंदर स्थित राज्य है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के साथ में लगती है, तो तीनों के साथ लगती है, और इधर तरफ चीन है। तो इस तरीके से भारत के जो 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी 3 देशों के साथ में सीमाएं लगती हैं। तो दोहरा दे एक बार, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, और सबसे उत्तर में अगर हम आएंगे तो है जम्मू कश्मीर। इनकी सीमाएं 3 देशों के साथ में लगती है। इसके बाद अगर आप पूरब के अंदर देखेंगे, ईस्ट के अंदर, तो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ में लगती हैं। तो ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, और आखिर के अंदर आ गया मिजोरम। ये मिजोरम। तो इस तरीके से भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ में लगती है। अब इसके दक्षिण में जो, और ये जो मैंने बनाया हुआ है बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमाएं ऐसे जाती है, यानी कि, और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो सीडीएस में भी पूछा गया और दिल्ली पुलिस की एग्जाम में भी। यहां मैंने बनाया है त्रिपुरा। तो यदि हम त्रिपुरा को देखेंगे तो त्रिपुरा की सीमाएं जो है इधर से बांग्लादेश से, यहां बांग्लादेश से, और इधर की तरफ भी बांग्लादेश से घिरी हुई। तो
तो इस सवाल का आंसर भारत का वो राज्य जो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है उसमें आएगा त्रिपुरा। तो इस तरीके से यदि आप भौगोलिक नक्शे को यानी कि ज्योग्राफिकल मैप को आप अच्छे तरीके से उसका अवलोकन और अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर इस तरीके से आपको प्राप्त होंगे। अब इसके अलावा भारत की जो दूसरे जो सवाल आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, अब नया जो पैटर्न जरूर आएगा वो आएगा भारत के कौन कौन से राज्य हैं, जैसे इस बार पूछा गया यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर भी भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी अन्य देशों से सीमाएं लगती हैं। तो ये तो आ चुका कि तीन देशों के साथ सीमाएं वाले, अब दो वाली बात करें तो देखिए दो वाले कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हम देखें यहाँ पर सबसे पहले ये आ गया उत्तर प्रदेश, और यहां है यहां पर आ गया बिहार। तो बिहार की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा फिर नेपाल के साथ, और यहां पर है उत्तराखंड, उत्तराखंड की सीमाएं दो देशों के साथ में, नेपाल के साथ और चीन के साथ। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं चीन के साथ। तो आपके लिए सवाल आ जाएगा चीन के साथ निम्न में से किस किस राज्यों की सीमाएं लगती हैं, यहां देखिए। इसके बाद आ गया पंजाब, पंजाब की सीमाएं आप देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ लगती है, और इसके बाद राज्य आ गया राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान की सीमाएं पाकिस्तान के साथ और ये गुजरात की सीमाएं पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और भी राज्य देखिए, जैसे हम देखें असम, तो हमारा जो राज्य असम है, असम के बारे में जब हम देखेंगे तो असम की सीमाएं जो है किस किस के साथ में लगती है वो भी ध्यान रखिए, जैसे दक्षिण के अंदर बांग्लादेश। तो नक्शे के ऊपर बड़ा स्पष्ट तरीके से मैंने दे रखा है, तो उसे बड़े ध्यानपूर्वक देखिए और राज्यों को इस तरीके से अवलोकन कीजिए। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आए हुए, जैसे अरुणाचल प्रदेश मैंने दिया, तो अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन आया कि अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। ये अरुणाचल प्रदेश को पहले कहते थे नेफा, नेफा का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, फुल फॉर्म आ गया। ऐसी असम के बारे में, असम को पहले किस नाम से जाना जाता था, असम को कहते थे कमरूप, कमरूप के नाम से जाना जाता था। ये भी सवाल है जो एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसे ही पंजाब को किस नाम से जाना जाता था, पंजाब को पहले कहते थे ये पंजाब, पंजाब को पहले कहते थे पेप्सू, पेप्सू का मतलब है इसको कहते थे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये पूरा नाम होता पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, क्योंकि यहां पर जो राजघराना था जिसका पंजाब पे राज था इस क्षेत्र के अंदर, उसे कहलाते थे पटियाला, जिसके कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल कांग्रेस के वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री भी है। तो इसी नाम पर इसको ईस्ट पटियाला भी कहते थे, और क्योंकि पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया तो दिशा देखने पर वो पश्चिम है, और ये पंजाब का हिस्सा जो भारत के भारतीय संघ में शामिल हुआ वो कहलाता था पूर्वी पंजाब, इसीलिए से ईस्ट पंजाब के नाम से। इसके अलावा एक और मैंने टॉपिक है जिसमें भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं दूसरे देशों के साथ, उनके बारे में और मैं अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके लिए अब इस लेक्चर को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से फिर से आग्रह है कि जो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और लिंक और शेयर करते हैं वो आप जोश जरूर बनाए रखें और इस चीज का सहयोग जरूर करते रहें। तो इसलिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबाने से या जो घंटी वाला बटन है उसे दबाने से जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों का फिर एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और प्रभु का धन्यवाद देता हूं जिसने मौका दिया, जिसके कारण मैं आप लोगों को संबोधित कर पा रहा हूं। धन्यवाद।